और अब खबरें विस्तार से। मानगो में एक सनसनीखेज वारदात के तहत एक दामाद ने अपने ससुर साला व साली पर कातिलाना हमला कर दिया, जिसमें ससुर की मौत हो गई है। घटना मानगो रोड नंबर 14 की है, जहां लगभग 60 वर्षीय निरुला शरीफ अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनका दामाद अफताफ आलम से विवाद चल रहा था। अफताफ ने कानूनी तौर पर अपनी पत्नी शादिया से तलाक ले रखा है, मगर वो अपने बच्चे से मिलना चाहता था, जो विवाद का प्रमुख वजह रही। शुक्रवार को अफताफ आलम ने घर में घुसकर पहले ससुर निरुला शरीफ के गले को धारदार हथियार से रेत दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। बाद में उसने साला खुर्शीद आलम और साली शेबा प्रवीण पर भी हमला कर उनके गले को रेत दिया। आसपास के लोगों ने हंगामा देख अफताफ को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घायलों को GMH पहुंचाया गया, जहां शबा प्रवीण की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने अफताफ को गिरफ्तार कर उसे कस्टडी में ले लिया है। घटना से मानगो रोड नंबर 14 में मातरम पसरा है। सभी एक ही चर्चा कर रहे थे कि विवाद पत्नी से था तो ससुर साला व साली पर हमला क्यों? इतना होते हुए नहीं देखे, जब भीड़ लगा ना तो हम लोग अपना अपना घर से दौड़ गया कि काहे इतना भीड़। वहाँ पर झगड़ा हो रहा था, हम तो दूर में थे। हाँ। तो हम जब आए यहाँ पर देख रहे थे, लोग तो गिरा पड़ा हो, क्या हुआ? मार दिया। कौन मारा है लोगों? वो एक लड़का है, उसका तो नाम नहीं मालूम है, ना हम लोग कभी देखे। अच्छा। तो उसको पकड़ कर 2-3 धाम हम लोग मारे भी है। हाँ। और उसको थाना का हवाले कर दिए। क्या से मारा है? चाकू से मारा है। कितना लोग को मारा है? एक जन का। कितना लोग को मारा? कितना लोग? 3 जन को मारा है। क्या से? चाकू से मारा। कहाँ पे हुआ है घटना? ये 14 नंबर में हुआ है। बहरहाल पुलिस अफताफ से पूछताछ कर रही है। मीडिया द्वारा पूछे जाने पर अफताफ ने बताया, पैसा गाड़ी सब चीज से गए, नौकरी गए, इसका वजह से नौकरी रिजाइन कर दिया। ये औरत फिर भी उसकी नहीं, एक घूमने फिरने वाली, छोड़ छाड़ हो गया मुझे सब कुछ। चलो ब्लैकमेल करने लगा, लो जोड़ी केस करो, चल भैया हाथ जोड़े भैया चल जा, जान छूटे जा, जोड़ी केस मत करो, परिवार है मेरा, चल जा। ऐसा तो हम शादी के बाद भेजते ही रहते हैं, माँ बाप छोड़ दो, अलग रहो, 5,000 का घर में भाड़ा न रखे, सब कुछ करने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं। अब कोई मामला नहीं था, हट गया था। मुफ्ती आबिद हुसैन ढटकी जी है, ये लोग खुला दिला दिए थे, पेपर में लिख के दे दिए कि 15 दिन में बच्चा देखा नहीं। दो बार बच्चा दिखाया, तीसरा बार तब बोला मारपीट किया, ये वो किया, इल्जाम डालते हैं यहाँ पर ही बात। आज क्यों क्यों मारे, क्यों क्या कारण? आज भी हम गए थे बच्चा देखने के लिए, और हम जब से छूटा है, जब से ब्लैकमेल का लगाई है मेरे ऊपर, आज मामे की नियत सही गया था। आज मेरा माइंड बना था, मेरा बच्चा आज नहीं दिखाएगा तो हम आज मार के छोड़ेंगे, खुद को हम मार नहीं करते, पहले खुद को मारे नहीं, बच गए। वन साइडेड हुआ जैसा बताया, लोग वन साइडेड तलाक था। खैर वो लोग अपना तलाक करके अलग रह रहा था, और ये लड़का फिर अपना शादी कर लिया दूसरा, लेकिन उस पहले पत्नी से इसका एक इशू था, बच्चा था। उस बच्चा से ये मिलने की कोशिश करता था, बराबर आता था, इन लोग मिलने नहीं देता था, लोग अवॉइड करता था, अवॉइड करता था कि नहीं कोर्ट से लाओ, जो भी हो डिफरेंस होती इसी बिंदु पर। और ये पहले सऊदी में काम करता था, वहाँ से फिर चला आया, और अभी फिर जाने की तैयारी कर रहा था। इसी बीच उसका कहना है कि हम फिर एक बार बच्चे से मिलने के लिए। शुक्रवार को झारखंड आंदोलनकारियों को एक औपचारिक कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री डॉक्टर नीरा यादव ने सम्मानित किया। शुक्रवार को चिन्हित झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया एवं उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। रेड क्रॉस भवन में आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री डॉक्टर नीरा यादव ने 297 चिन्हित आंदोलनकारियों को सम्मानित किया। मुख्य अतिथि ने कहा कि अभी और भी आवेदक है और स्क्रूटनी का कार्य प्रगति पर है।
अब आप लोगों के बीच से ही झारखंड आंदोलन के और एडीसी साहब और जितने भी जिला के प्रक्रिया काफी दिनों से चल रही थी, लेकिन इसमें सफलता आज जाके हम लोगों को मिली है। तो इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जो जिन्होंने इस प्रयास को सफल किया, रघुवर दास जी, उनको भी हम आभार व्यक्त करते हैं। और सबसे पहले जिन्होंने संघर्ष करके झारखंड को अलग किया वो आभार के पात्र हैं। उन्होंने खून पसीना बहा करके और ये कामयाबी हासिल की है। उनको हम जितना सम्मान दें वो कम है। और हमें लगता है कि ये अभी डीसी साहब से हमने बात किया, पेंशन का अलॉटमेंट अभी नहीं आया है, तो हम प्रयास करेंगे कि जितना जल्द हो सके वो यहाँ पर आए और हमारे भाई बहनों को वो मिले, चूँकि ये इनका हक है। उसके बाद में ये हमारे लिए विकास के साथ के लिए एक साथ हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चले, यही इनसे आग्रह है, जिसे जो सोच के कारण आज झारखंड को अलग किया गया है। सरकार द्वारा योजनाओं बनाओ अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर मानव संसाधन मंत्री डॉक्टर नीरा यादव ने समस्याएं सुनी एवं निदान का आश्वासन भी दिया। सरकारी योजना बनाओ अभियान के तहत मानव संसाधन मंत्री डॉक्टर नीरा यादव ने पटमदा जाकर वहां न सिर्फ एक रात बिताई बल्कि लोगों की समस्या भी सुनी। पटमदा के राजीव गांधी सेवा केंद्र में उन्होंने ग्रामीणों से सीधी बातचीत की और सरकारी योजनाओं के विषय में ग्रामीणों को बताया भी। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। धन्यवाद मंत्री महोदय तो आपको बताना होगा आपके पंचायत को अच्छा करने के लिए क्या चाहिए, और आप जो बताइएगा वही काम यहाँ पर किया जाएगा। तो इससे हमारा पंचायत का विकास होगा, इसी के लिए आज हम लोग सब यहाँ पर आए हैं। हम अपने बेटा बेटी से कहना चाहेंगे कि बेटा तुम लोग तो हिंदी समझ रही है ना, मम्मी पापा दादी चाचा सबको कहेगी कि जब गांव में कोई मीटिंग हो वहां पर इनको जा करके बताना है, वहां पर रहना है कि हमारा घर में रोड नहीं है, नाली नहीं है, यहां पर लाइब्रेरी नहीं है, यहां पार्क नहीं है कि हम लोग खेल सके, यहां खेलने के लिए व्यवस्था नहीं है, जो चीज की कमी है। तो माता पिता वहां जा करके मीटिंग में बताएंगे। पहले होता था सरकार बना के देती थी कि आज ये वाला रोड बनाना, अब क्या है कि जो ये बोलेंगे वही सरकार काम करेगी, इसीलिए इसका नाम है योजना बनाओ अभियान। क्या नाम है बोलो जी? दीदी बोलो की नाम आछे? नाम आछे योजना बनाओ अभियान। झारखंड सरकार की उपलब्धियों एवं योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए शहर में दो स्थानों पर LED टीवी लगाए गए हैं। झारखंड सरकार की उपलब्धियों एवं योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने अनोखा प्रयोग करते हुए शहर में दो स्थानों पर, पहला साक्षी मुख्य गोलचक्कर के पास तथा दूसरा बिष्टपुर थाना परिसर में LED टीवी लगाए गए हैं। इससे पूर्व रांची में भी लगाया गया है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया। टीवी पर सेंट्रलाइज तरीके से रांची सूचना एवं प्रसारण विभाग से प्रसारण होगा। DPRO उर्वशी पांडे ने बताया कि इस अनोखे प्रयास से आम लोगों को सरकार का भावी योजनाओं से अवगत कराया जाएगा। अधिकृत रूप से सभी लोगों के सामने लाने के लिए सरकार की एक बृहद शुरुआत है। रांची में दो स्थानों में ऑलरेडी ये लग चुका है, सूचना भवन परिसर में जहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसका उद्घाटन इसको लोकार्पण किया था, उसके बाद रांची में किरायालाल चौक में इसका लोकार्पण हो चुका है, और रांची के बाद जमशेदपुर में दो स्थानों पर साक्षी गोल चक्कर और विष्णुपुर थाना परिसर में इसको लगाया गया है। इसका जो इसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया गया है, और इसका कंट्रोल रूम रांची स्थित सूचना जनसंपर्क विभाग के मुख्यालय में रहेगा, वहाँ से
जितना भी सरकार की योजनाएं हैं, क्रियाकलाप हैं, उनको केंद्रीकृत रूप से दिखाया जाएगा, जिससे कि लोग दृश्य और शब्द ऐसा माध्यम है जो लोग सुनते हैं और देखते हैं वो उनके दिमाग में अधिक समय तक रहता है। जो आम लोग हैं वो उसको देखेंगे, सुनेंगे और अपनी जो सरकार योजनाएं चला रही है, सरकार के जो उपलब्धियाँ हैं वो लोग इससे अवगत रहेंगे। तो इसके दूसरी तरफ जमशेदपुर सेफ क्लब द्वारा शुक्रवार को यातायात सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से एक रैली निकाली गई। जमशेदपुर सेफ क्लब द्वारा शुक्रवार को सेफ्टी अवेयरनेस को लेकर पूर्वी सिंहभूम में जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें शहर के 7 स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। इस मौके पर रुचि नरेंद्रन मार्गदर्शक के तौर पर मौजूद थे। उन्होंने गुब्बारा छोड़कर रैली की शुरुआत की। What is that? I want to hear both the messages loud and clear from you. Dreams and so many aspirations. You want to do so much in life. So all you need to do is be responsible to yourself and look after yourself, look after others on the roads. If you are safe, you will make sure that others around you are safe, people on the roads are safe. That's all you need to do. Why is it so difficult? Why is it so difficult that every other day we have a student from one of our schools who meets with an accident? Some are fatal, some are struggling in the hospital. Even as we speak, one child from Loyola is very critically ill because of a road accident. Children, I want you all to pay attention at the back, please. This is serious business. Amongst all the songs and the fun and games that we've had here, we're trying to give you people a very, very serious message. And that message must be understood clearly by each one of you. Your life is precious. Zindagi nahi milegi dobara. I hope you all remember that. It's one life, it's a precious life. You've got to save it. Okay, so all it needs is to put on a helmet when you're on the streets on a two-wheeler and do not overspeed. Obey the traffic rules.